हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चले आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंस शीट कि कंपनीज के केस में बैलेंस शीट बनती कैसे है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जाता है। और पूरी कॉरपोरेट अकाउंटिंग करने के लिए, कंपनी अकाउंट्स करने के लिए बैलेंस शीट का आना तो वैसे भी आपको जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। सी शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फॉर्मेट है। पार्ट 1 पहले बनता है बैलेंस शीट। देखिए इसके दो पार्ट हैं, वन इज द पार्ट 1 जो कि है हमारी बैलेंस शीट, और पार्ट 2 विच इज द एसओपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूँ, ना कि एसओपीएल। इस लेक्चर में हम सारी बातें जो है वो बैलेंस शीट के ऊपर करेंगे। पहले बैलेंस शीट बनती है, फिर एसओपीएल बनता है। जनरल आपकी प्रैक्टिस होती है, पहले आप पीएनएल बनाते हैं फिर बैलेंस शीट, लेकिन इसमें पहले बैलेंस शीट बनता है और फिर एसओपीएल। नाउ बैलेंस शीट कैसे बनानी है? एक फॉर्मेट आप बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आमने सामने के पेजेस ले लें, आमने और सामने के दो पेजेस ले लें, और जो आपका लेफ्ट वाला पेज है उस पे ऐसे बनाए पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। लेफ्ट साइड पे मैं लायबिलिटी रखूंगा, राइट साइड पे असेट्स। वैसे प्रैक्टिकली जो है वो ऊपर नीचे आता है, ऊपर लायबिलिटी नीचे असेट्स। जिनके रजिस्टर थोड़े बड़े हैं वो एक ही पेज पे लेफ्ट वाली साइड पे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। ऊपर लायबिलिटी आ जाएगा, नीचे असेट्स आ जाएगा, बट जिनके छोटे रजिस्टर्स हैं वो लेफ्ट पे लायबिलिटी लिखे, राइट में असेट्स लिखे। स्टार्ट करें। सबसे पहला फर्स्ट हमारा होता है बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बड़ी पेशेंस के साथ आपने सारी चीजें सुननी है, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। जहां पेशेंस आपने लूज किए वहां पर सारी बातें खत्म। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में द वेरी फर्स्ट थिंग इज शेयर कैपिटल। क्या होता है, कैसे आएगा, क्यों आएगा, सब बताऊंगा डिटेल, अभी मोटा मोटा बात कर रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। दो थर्ड चीज भी आती है बट वो इररिलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन नहीं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। ये इररिलेवेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर वॉरेंट्स क्या होते हैं आप ये जानना अगर चाहेंगे तो मैं आपको बताऊं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो होता क्या है, खैर आज तो डीमैट है, सब कुछ आपका ऑनलाइन रहता है। पहले क्या होता था, इधर यू कैन टेक द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में क्या होता था, आपका नाम लिखा होता था कि हाँ मिस्टर चंदन इज होल्डिंग द सो मच शेयर्स ऑफ द कंपनी। और ऑल्टरनेटिव वी हैव द ऑप्शन टू टेक वारंट। वारंट में क्या होता था, बेसिकली ऑप्शन नहीं होता था, कंपनी वारंट इशू करती थी कि आपका नाम नहीं लिखा होगा। तो उसमें क्या होता था, जिसके पास वो शेयर वारंट है वो उसका मालिक है। लाइक अ नोट, 2000 रुपए का नोट जिसके पास है वो उसका मालिक है। सर्टिफिकेट में नाम लिखा होता था, बट इसमें होता क्या था, वारंट में आप इजीली सेल कर सकते हो, आगे किसी को बेचना है आपने वारंट दिया पैसे लिए हो गया। लेकिन सर्टिफिकेट में प्रोसेस लंबा है, नाम कैंसिल करवाओ फिर एक नया सर्टिफिकेट बनाओ। तो वारंट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटिंग द ओनरशिप इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, बट द नेम ऑफ द होल्डर इज नॉट मेंशन। ये होता है आपका शेयर वॉरेंट, जस्ट फॉर नॉलेज। इसके बाद इसमें सेकेंड चीज आती है, वो भी अगेन हमारे लिए इररिलेवेंट है बट जस्ट आपको बता रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। ये जो सी और ये जो मैंने सेकंड चीज लिखी ये लिखने की जरूरत नहीं है, या इनफैक्ट मैं आपको बोलूं तो आप ऐसे कर सकते हैं सीधे इग्नोर इट। आप अपना फॉर्मेट ही यहां तक रखिए, सेकंड जो है आप सीधे लिखिए नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, देखिए वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में
चार चीजें हमारे पास आएंगी। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर हमारे पास आएगा इसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब ये क्या होती है सब आपको एक एक करके बताऊंगा, एक बार बस आप नोट करिए इसे साथ साथ। कोई भी चीज नहीं छूटेगी बेटा, बोल दिया ना, नहीं छूटेगी। फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सारी चीजें एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं, एक बार बस लायबिलिटी साइड पूरी कर लें, किसमें क्या आता है, क्यों आता है, ठीक है, और याद भी कैसे करना है वो भी बताऊंगा। फिर हमारा आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर चार चीजें, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और ये आपका बैलेंस शीट का यहां लायबिलिटी साइड का टोटल, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें, सब बचा ही क्या है, सब समझ। अब एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को समझते हैं। जस्ट आप इतना नोट डाउन करके अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। असेट्स इसके नीचे आते हैं, अब वो हम बाद में देखेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं हमारा SOPL और फिर हमारे नोट्स टू अकाउंट्स। तो जिन्होंने प्लीज लेफ्ट साइड लायबिलिटी और राइट साइड असेट रखा है वो तो राइट साइड में ही बनाएंगे, जिन्होंने बड़ा पेज रखा है वो सारा नीचे का स्पेस उनके लिए असेट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद एक पेज छोड़ करके, मतलब जहां आपकी बैलेंस शीट खत्म होगी उससे एक पेज छोड़ करके, दैट इज फॉर हमारा SOPL जो हमें बनाना सीखना है आगे। उसके बाद हमारे बनेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, एक पेज छोड़ करके वो एक पेज SOPL के लिए, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स हमें बनाने हैं। अब नोट्स टू अकाउंट्स कैसे हैं, क्या है, सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले बेटा शेयर कैपिटल, नोट नंबर वन। जितने यहां पे बनेंगे प्रैक्टिकली उतने नोट्स नहीं बनते, प्रैक्टिकली इन द सेंस जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, यहां मेरे को डिटेल में सब कुछ पढ़ाना है, कुछ छूट ना जाए, इसलिए थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है। तो नोट नंबर वन हमारा क्या है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का नोट कैसे बनता है, क्या आता है इसके अंदर, क्या नहीं आता, ये देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, द मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट कैन बी इश्यूड बाय द कंपनी। आया ना, निकम्मो भूल गए। तो इसमें दो होंगे हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये सब प्रेजेंटेशन पर्पस से होती है। तो जितने भी शेयर्स हैं ऑफ फेस वैल्यू रुपीस जितना भी है ईच, और ये आपने डिटेल सेक्शन के अंदर या अमाउंट सेक्शन के अंदर भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं, या डिटेल में लिखते हैं चलो पहले। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें हमारे पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं ऑफ फेस वैल्यू रुपीस ना ईच, और ये आपके पास जो भी अमाउंट आएगा उसके नीचे डबल लाइन डाल देंगे, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल जो हम लिखते हैं वो सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस से लिखते हैं, टोटलिंग में से कंसिडर नहीं किया जाता।
फिर हमें लिखना है बेटा इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। देखो वैसे तो इसके बहुत बाइफरकेशन हो सकते हैं आगे, ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम रहेंगे ज्यादा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, सबसे पहले ध्यान से देखें, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैसे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं ऑफ फेस वैल्यू इतना ईच, कितना कॉल्ड अप है। हो सकता है फुली कॉल्ड अप हो तो 10 रुपए कॉल्ड अप आ जाएगा, 10 का शेयर है 8 रुपए कॉल्ड अप है तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने यहां पर मेंशन कर दिया जो भी अमाउंट है, इसमें से आप माइनस कर देंगे जो भी अगर कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट है। किसका अमाउंट है, कॉल्स इन अरियर्स, वो आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर ये रुकिए, ये आ गया आपके पास पेड अप कैपिटल, क्या बोलते हैं हम इसे, पेड अप कैपिटल। उसमें आप ऐड कर देंगे अगर किसी भी तरीके का हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है अगर, तो उसमें उसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन शेयर कैपिटल। देखने में बड़ा लग सकता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करनी है क्या, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये जस्ट प्रेजेंटेशन पर्पस से होती है, इसका और कोई रोल नहीं होता, वो आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इसमें कॉल्ड अप कैपिटल आपने लिखी जो भी है, उसमें से क्या किया, कॉल सिनेरियर को माइनस किया, पेड अप कैपिटल आ गया, उसमें शेयर फॉर फ्यूचर ऐड, तो ये हमारा आ गया, समझ में आई बात, श्योर। इस तरीके से हमारा फर्स्ट बनता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज आर रिजर्व इन सरप्लस। जितने भी रिजर्व इन सरप्लस है वो इसके अंदर आएंगे। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा आपको। नोट नंबर टू, एक के नीचे एक बनाते चलना है हमें, रिजर्व एंड सरप्लस, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, वट एवर इट इज, वेदर इट इज जनरल रिजर्व, ठीक है, वेदर इट इज कैपिटल रिजर्व, वेदर इट इज पी एंड एल, ठीक है, वेदर इट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व वी हैव टू राइट हेयर। ठीक है, इसमें जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आप यहां बाहर लिख देंगे, ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए था, निकम्मो ये प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, ये तो टोटल आएगा वहां लिखना है हमें। ये आपने यहां पे लिख दिया रिजर्व इन सरप्लस का जो भी अमाउंट आया। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इफ पी एंड एल डेबिट बैलेंस इज देयर, अगर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, देन इट विल बी शोन इन ब्रैकेट, उसे हम किस में शो करेंगे, ब्रैकेट में, मतलब ये जो है पी एंड एल अगर डेबिट में है तो इसे हम ब्रैकेट में लेके उतने माइनस में लेंगे। इनफैक्ट ये हो सकता है नेगेटिव बैलेंस भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये हमारे लिए काम करनी है, मैंने आपको वैसे ही लिखवा दिया था, नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें क्या आएगा, ध्यान से देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बेटा जितने भी ऐसे लोन हैं जो नॉन करंट लायबिलिटी में, ब्रॉडली अभी आप ये समझो जो एक साल बाद पेमेंट करनी है वो सारी नॉन करंट है। तो जैसे बैंक लोन जो एक साल बाद पे करने हैं, ठीक है, या कंपनी के जो भी डिबेंचर्स हैं, क्या हैं डिबेंचर्स हैं, वो भी सारे क्या हैं, कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग, या कोई भी ऐसा लोन जो एक साल बाद पे करना है वो सारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमारा आएगा, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हमें इसको लेके कंफ्यूजन कोई क्रिएट नहीं करना। हाँ, फॉर्मेट में जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, बट इट इज एज सच नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हमें इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? पक्का श्योर? वैसे होता क्या है सर, थोड़ा सा बता देते तो, वो कहो तो बता देता हूँ, बता दो। चलो, होता क्या है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, देखो क्या होता है, जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं नॉर्मल, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस लिखे, इनकम लिखे, और हमने क्या निकाल लिया, अपने प्रॉफिट्स, ठीक है। इस जो अकाउंट से हमारे प्रॉफिट्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट्स। क्या? बुक प्रॉफिट्स। फिर हमें जो बुक प्रॉफिट आते हैं ना, उस पर इनकम टैक्स नहीं देना होता। इनकम टैक्स के आप आगे जाके पढ़ेंगे अपने लॉ है, अपने कानून है प्रॉफिट निकालने के, ठीक है, और वो जो प्रॉफिट आते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। और इन दोनों प्रोविजंस में कई बार डिफरेंस आ जाता है। जैसे सपोज आपने कोई खर्चा करा, एक्सपेंस करा 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो आप उसे क्या करेंगे, P&L में डेबिट कर देंगे कि हाँ 1 लाख रुपए हमने डेबिट कर दी। बट इनकम टैक्स हो सकता है कहीं नहीं, आपने इसे एक्सपेंस किया 1 लाख का डेबिट कर दिया, आप इसे 1 साल में डेबिट नहीं करेंगे, आप इसे 2 सालों में डेबिट करेंगे 50,000 रुपए। होता है इनकम टैक्स में से बहुत प्रोविजंस हैं, आप जब इनकम टैक्स पढ़ना शुरू करेंगे तब दिखेगा। कि नॉर्मल अकाउंटिंग तो अभी आप कर रहे हैं कि नॉर्मल एक्सपेंस डेबिट इनकम क्रेडिट बुक प्रॉफिट आ गए, लेकिन इनकम टैक्स में देयर इज अ सेपरेट लॉ टू कंप्यूट द प्रॉफिट्स, और हमें वो जो प्रॉफिट आते हैं उन पे टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए कभी भी आप देखोगे तो वी क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स, इसीलिए हम अपना, जबकि हमें टैक्स रेट पता है तो हम सीधे सीधे टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, बट नहीं निकाल पाते क्योंकि हमें इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से प्रॉफिट निकाल पे उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ती है। अब सपोज इनकम टैक्स वालों ने कहा नहीं जी, हम तो ये 50,000 रुपए करके 2 बार देंगे, समझ में, तो होगा क्या? या सपोज, तो अब जैसे 1 लाख आपने एक्सपेंस दिखाया, यहाँ कितना दिखाना है 50,000, तो होने क्या वाला है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने एक्सपेंस कम दिखाया आपके प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, टैक्स आपका कंपैरेटिवली ज्यादा बनेगा। हाँ या ना? पक्का? फ्यूचर में जाके अल्टीमेटली इट गेट सेटल्ड, क्योंकि यहाँ तो आपने एक बार में 1 लाख एक्सपेंस दिखा दिया, इसे अगले साल नहीं दिखाओगे, अगले साल यहाँ पर आप 50,000 रुपये 2-2 बार दिखाओगे, तो इस साल क्या होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर आप देखो जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होने वाला है, फर्स्ट ईयर के अंदर क्योंकि इसमें मैंने एक्सपेंस 1 लाख दिखाया है, यहाँ पे मैंने एक्सपेंस 50,000 दिखाया है, तो मेरे प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, टैक्स मेरा ज्यादा बनेगा। हाँ या ना? पक्का? इन वाइस वर्सा केस, अगर सपोज इनकम का केस होता, कोई इनकम आई 1 लाख रुपए की, आपने क्रेडिट कर दी, टैक्स वाले कह रहे नहीं इसको भी आपको 2 बारी में दिखाना है, 50,000 करके दिखाना है, ठीक है, तो होगा क्या, आप ईयर वन में यहाँ पे आपने इनकम कम दिखाई है, इनकम कम दिखाई है तो टैक्स भी आपका कम बनेगा। यस ऑर नो? पक्का? जबकि इनकम आपको 1 लाख पूरी दिखानी थी, तो इनकम अगर आप अकाउंट्स के हिसाब से चलते तो 1 लाख दिखाते, 1 लाख दिखाते तो आपकी इनकम ज्यादा आती, टैक्स ज्यादा बनता, बट उनके अपने लॉ है, जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, तुम अगर दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, वही वाली बात है। तो सी होता क्या है, अब जैसे आपने कोई एक्सपेंस है, जितना एक्चुअल हुआ अकाउंट्स में तो आप पूरा दिखा देते हैं, इनकम टैक्स वालों ने बोला नहीं 2 बार में दिखाना है, तो पहले साल में गड़बड़ आती है, गड़बड़ क्या आती है, एक्सपेंस कम दिखाया प्रॉफिट ज्यादा टैक्स ज्यादा आया, जबकि बुक्स के हिसाब से उतना टैक्स नहीं बनता, क्योंकि 1 लाख रुपए हम एक्सपेंस दिखाते बुक्स के हिसाब से। सेम वे इनकम 1 लाख रुपए दिखाई, कायदे से टैक्स ज्यादा बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 50,000, तो टैक्स कम बना, इनकम कम दिखाई। तो अगर टैक्स ज्यादा बन जाता है तो जितना टैक्स आपका ज्यादा बन गया उसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स असेट, और अगर टैक्स कम बना तो उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्यों बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यार इनकम 1 की जगह 50 दिखाई है, अगले साल तो दिखानी पड़ेगी ना ईयर 2, तब मरेंगे तब टैक्स ज्यादा बन जाएगा, पहले साल ही ले लेता। हाँ या ना? तो बेसिकली अब
जितना आपका ये टैक्स कम बना, अगर आप 1 लाख दिखाते तो सपोज 30% के हिसाब से आपका 30,000 टैक्स बनता, बट यहाँ आपने 50,000 दिखाया तो 30% से आपका 15,000 रुपये टैक्स बना। तो जितना टैक्स आपका कम बना वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि अगले साल वो पे करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, अगर टैक्स ज्यादा बना तो डेफर्ड टैक्स असेट। नहीं आया समझ? पक्का आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस आपको सिखा दिया कि होता क्या एग्जैक्टली, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमें नहीं देखनी, उसके बाद है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है? लोन के अलावा जो लायबिलिटी लॉन्ग टर्म नेचर के, लाइक ट्रेड पेबल है कोई जो आपको आफ्टर 1 ईयर पे करना है, 1 साल बाद क्रेडिटर है उनको 1 साल बाद पेमेंट करनी है गुड्स के, या बिल्स पेबल है, तो वो सारा अदर नॉन करंट लायबिलिटी। एक भी क्वेश्चन में एक भी आइटम आपको देखने को इसकी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की अगर आप बात करें बेटा, तो इसमें आते हैं प्रोविजंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो आपके यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका आप पीएफ बनाते हैं, ग्रेचुटी बनाते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट फंड बनाते हैं, तो उसके लिए जो भी प्रोविजन बना रहे हैं दैट इज प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर वो शो किए जाएंगे। जितने एग्जाम्पल दे रहा हूँ मोर देन सफिशियंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ नहीं सोचना, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रेचुटी के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, ठीक है, या पेंशन के लिए। ग्रेचुटी क्या होता है? रिटायरमेंट के टाइम पे एक वन टाइम पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयज को, ग्रेचुटी को वैसे हम गिफ्ट बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके एक फंड तैयार करते हैं, एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी से कुछ कटवाता है, एम्प्लॉयर एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूट करता है ताकि रिटायरमेंट अच्छे से कट सके, ठीक है। और पेंशन फंड खैर आज के टाइम में तो देखने को ये मिलता ही नहीं, अगर बहुत रेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो ये बेसिकली है। इसके बाद अगर आप बात करें करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा? इसमें बेसिकली आएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आया? या शॉर्ट टर्म लोन्स अगर इस तरीके से, या एक चीज होती है कैश क्रेडिट। ये क्या है सर कैश क्रेडिट, बताओ? बैंक ओडी और कैश क्रेडिट में डिफरेंस? बैंक ओडी पता है? हाँ, जितना पैसा बैंक में जमा करवाया उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। तो बेटा वो पिताजी थोड़ा लग रहे हमारे कि जितना जमा करवाया उससे ज्यादा निकाल लो, वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगते हैं हमसे कि आप ये सिक्योरिटी रखिए तब आपको हम ओवरड्राफ्ट अलाउ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रॉपर्टी रखी एक 50 लाख की, तो उसने मुझे ओडी लिमिट दे दी 40 लाख की कि अब आप जितना जमा है उसे एक्सेस में 40 लाख तक निकाल सकते हैं, सिक्योरिटी रखी हुई है उनके पास। तो एज ए सिक्योरिटी आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो जब एज ए सिक्योरिटी आप अपने स्टॉक को रखते हो, एज ए सिक्योरिटी अपने स्टॉक को रखते हो, मतलब ये नहीं होता अपने जो बिजनेस में स्टॉक पड़ा हुआ है वो सारा पैक करके उनके पास ले जाते हो। होता है क्या, पेपर वर्क पे साइन करते हो कि पेपर वर्क होता है कि इन केस आप रीपेमेंट नहीं कर पाए तो आपका स्टॉक सारा बिजनेस में जितना भी है वो सीज कर लिया जाएगा और उसको नीलामी करके बैंक अपना पैसा रिकवर करेगा। तो अगर स्टॉक को एज ए सिक्योरिटी देके हमने लिमिट ली है ओवरड्राफ्ट, तो वो कहलाती है कैश क्रेडिट। बट स्टॉक के अलावा अगर हमने एक्सेस विड्रॉल फैसिलिटी ली है, स्टॉक के अलावा किसी और चीज को सिक्योरिटी रख के हमने एक्सेस विड्रॉल फैसिलिटी लिया, तो वो क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट।
दोनों रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेस विड्रॉल फैसिलिटी, बैंक ओडी इज एक्सेस विड्रॉल फैसिलिटी अगेंस्ट सिक्योरिटी अदर देन स्टॉक, जबकि यही चीज सीसी लिमिट कैश क्रेडिट एक्सेस विड्रॉल फैसिलिटी अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक। समझ में आया शो? चलिए तो यह है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इसके बाद ट्रेड पेबल्स सब बताएंगे। ट्रेड पेबल्स में क्या आएगा? अरे निकम्मो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, वेरी गुड। ट्रेड पेबल्स ऐसे अंडरलाइन नहीं करना, ये तो तुम्हें समझाने के लिए कर दिया। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ठीक है। इसके बाद वी हैव अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। इसके अंदर क्या आएगा सर? इसके अंदर आपके सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सारी प्रीपेड इनकम्स, वो आपके लिए क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। इसके अलावा जो भी हो सकता है, वैसे तो यही आपको देखने को मिलेगा। लास्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें अरे टी रह गया भाई, इसमें आपसे एक तो प्रपोज डिविडेंड, उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस एडवांस टैक्स। अब ये क्या मैं आपको बताऊंगा अभी। ये यहां पर आपका आएगा अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के अलावा आपका कॉल्स इन एडवांस भी आ सकता है, वो भी लिख लीजिएगा। कॉल्स इन एडवांस कैन बी देयर, ठीक है, या डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, खैर वो तो होता नहीं है। कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम्स, ये सब यहाँ पर हमारा आ सकता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ही दोनों। अब ये क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, ध्यान से देखिए। सपोज वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ 1 लाख एंड एडवांस टैक्स इज देयर ऑफ 80,000, तो ऑब्वियसली वी विल राइट 1 लाख माइनस 80,20। इसमें कौन सी नई बात थी, आया ना? यहाँ पे आप लिखोगे 1 लाख या 80,000 या 20। बट सपोज यू हैव प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ 1 लाख एंड यू हैव एडवांस टैक्स ऑफ 1.5 लाख, सो हेयर यू हैव टू राइट प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख माइनस एडवांस टैक्स। आउट ऑफ 1.5 यू विल राइट ओनली 1 लाख, तो ये बचेगा कितना? निल, पूरा 1.5 लाख नहीं लिखना। जो बैलेंस ऑफ 50,000 है ना एडवांस टैक्स का, वो हम असेट साइड दिखाएंगे। ये मैं आपको असेट साइड में बताऊंगा, असेट साइड में हम करंट असेट में दिखाएंगे। मतलब एडवांस टैक्स सिर्फ उतना ही आएगा मैक्सिमम जितना प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसके अलावा बच गया तो वो किस साइड जाएगा? असेट साइड जाएगा। समझ में आया? तो इस पे मैं लिख दो मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। समझ में आ गया? श्योर। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
ये हमने पूरी लायबिलिटी साइड अपनी कंप्लीट की। देखो याद करना कुछ नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी। अब डॉल याद करो, डी ओ एल, पहला तो याद ही रहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके बाद डॉल है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखो इस पे कोई चीज नहीं पूछी जा सकती आपसे, लेकिन आपको चारों कंपोनेंट पता होने चाहिए और लिखने सीक्वेंस में, आगे पीछे नहीं लिख सकते। आपको मैं ये बात बता दूं, एग्जाम में उसने पूछा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, यू नीड टू मेंशन ऑल द फोर इन अ सीक्वेंस। कैसे याद रखना है, एल याद रहेगा, फिर डॉल, ये याद हो गया। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की जगह अगले में देखो क्या आ रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहाँ क्या आ रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ क्या था अदर नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ क्या था अदर करंट लायबिलिटी, हाँ या ना। और बस एक डिफरेंस है, यहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, वहां उसकी जगह क्या है हमारे पास ट्रेड पेबल, वो तो हमें वैसे भी याद रहेगा क्रेडिट डेटर। तो ये हमारी लायबिलिटी साइड पूरी बैलेंस शीट की कंप्लीट होती है। होपफुली आपको मेरी सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एंड नोट डाउन करते हुए ध्यान रखिए प्लीज़, ये जहाँ बैलेंस शीट के नीचे अभी हमें असेट लिखना है, उसके बाद एक पेज छोड़ेंगे, फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे, समझ में आए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ असेट्स के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। असेट्स पे हमारा 10 नंबर से नोट्स बनने शुरू, यहाँ तक प्लीज़ एक बार रिवाइज करके ही आप असेट वाली जो वीडियो है वो देखना शुरू करें। कोशिश करें यहाँ तक सारी बातें आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, याद हो जाए जितनी हो सके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होपफुली आपको लायबिलिटी साइड पूरी समझ में आई। अब हम असेट साइड बात करें अपने, चलिए सेकेंड इज बेसिकली असेट्स। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले वी हैव फिक्स्ड असेट्स, जिसको हम आगे चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज टेंजिबल, बताइए आपको बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, फिर इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स लाइक गुडविल कॉपीराइट वगैरह, आया ना पक्का। फिर वी हैव कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देयर आफ्टर वी हैव इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, लाइक कंपनी कोई अपना पेटेंट डेवलप कर रही है। ठीक है, बट जनरली मैं आपको बताऊं, ये जो नेक्स्ट ये जो तो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये नहीं पूछे जाते, आपको पहले तो पता बहुत है। फिर वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अगर किसी भी तरीके की कंपनी ने कर रखी है, लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिबेंचर्स फॉर लॉन्ग टर्म, एक साल से ज्यादा की जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर वी हैव डेफर्ड टैक्स असेट, जो कि आपको वेरी गुड नहीं पढ़ने, डेफर्ड टैक्स असेट्स। देयर आफ्टर वी हैव लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लाइक हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है किसी को। उसके बाद वी हैव अदर नॉन करंट असेट्स, जैसे कोई डेटर्स हैं उससे हमें पैसा आएगा, कब, एक साल बाद। ठीक है, तो ये हमारे नॉन करंट असेट्स है, उसके नीचे हमारे क्या आएंगे, करंट असेट्स आएंगे मेरे पास। रुको, पहले मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को इसके नोट सिखा देता हूँ। चलिए, नोट नंबर 10, 11, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, चलो ये कर लो, ज्यादा मन कर रहा है तो। ठीक है, चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं, नॉन करंट असेट्स पे। नोट नंबर 10 फटाफट बनाओ फास्ट, टेंजिबल फिक्स्ड असेट, व्हाट वी हैव इन दैट, बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी, यस ऑर नो, ये सब आएगा।
जितनी भी टेंजिबल चीजें हैं वो इसके अंदर हम नोट डाउन करेंगे. देन वी हैव इनटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में वी हैव पेटेंट्स, इट कैन बी गुडविल, लाइन से लिख देता हूँ मैं, इट कैन बी कॉपीराइट, वेबसाइट, यस कंपनी की जो वेबसाइट होती है वो क्या होता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन बी कॉपीराइट्स, जो जो चीज़ें हैं वो सारी आप लिख देंगे एक एक करके. ठीक है, इसके बाद वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जितनी भी इन्वेस्टमेंट एक साल से ज्यादा की इसका मैं बना नहीं रहा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. इसमें आता है जो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट्स रखने पड़ते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आप लेते हैं उसका डिपॉजिट रखना पड़ा, या फोन कनेक्शन लिया उसका रखना पड़ा, तो कहाँ मिलते हैं ये पैसे वापस. आप कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हम कटवाएं, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, या हमने प्रॉपर्टी रेंट पे ली तो उसका हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है. सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जितने भी हैं लाइक रिलेटेड टू रेंटल प्रॉपर्टी, फोन कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इसके अंदर हमारे आएंगे. इसके बाद ये हो गया हमारा अदर नॉन करंट असेट्स. अदर नॉन करंट असेट, अदर नॉन करंट असेट के अंदर जो भी हमारे डेटर्स हैं या बीआर हैं, रिसीवेबल आफ्टर वन ईयर, वो सब इसके अंदर हम लिख देंगे. ये भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलता. इनमें मैं मार्क कर दूंगा, एग्जाम में हमें जनरली देखने को क्या मिलता है. ठीक है, तो ये थे हमारे सारे केस, नॉन करंट असेट कर लिया. अब हम करंट असेट पे आते हैं. करंट असेट्स, करंट असेट्स के लिए वी हैव CITCSO, याद रखना, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन. क्या है ये? C स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने एक साल से कम के लिए करी है. ठीक है बेटा. I स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्रीज, जितना भी स्टॉक है बिजनेस के अंदर. T स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स. इसको याद करने का सबसे परफेक्ट तरीका है, सी स्टैंड्स फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. इसके बाद एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एडवांसेस, जो मैंने आपको एडवांस टैक्स बताया था ना बचा हुआ, हाँ वो यहीं आएगा, एज वेल एज प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आएंगे यहां पर, फिर अदर करंट असेट्स. अच्छा एक चीज अगर आप देखो ना, करंट असेट्स की साइड में अदर करंट असेट्स एंड में आते हैं, अदर नॉन करंट असेट्स, बट लेकिन इसमें एक स्टेप पहले आ जाते हैं लायबिलिटी में, अदर नॉन करंट, उसके बाद प्रोविजन. यहाँ पे भी अगर आपने देखा हो, समझ में आई बात. चलो तो स्टार्ट करें नोट नंबर से, 13 तक तो हो ही गए थे, 14 इसकी जरूरत नहीं है, एक साल से कम है. 15, 16, 17, 18, 19. अब आइए देखते हैं कि करके कैसे क्या लिखना है. 13 तक हो गया था, 14. 14 इज बेसिकली इन्वेंट्रीज, जिसमें हमारे पास क्या क्या आएगा, फिनिश गुड का स्टॉक जो भी है, रॉ मटेरियल का स्टॉक जो भी है, और वर्क इन प्रोग्रेस का जो भी स्टॉक हमारे पास है.
ये सब तीनों चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वी हैव नंबर गल डल गए, ओ ओ ओ सॉरी सॉरी गिनती भूल गए सर आप, 14, 15, 16, 17 ट्रेड रिसीवेबल्स वी हैव, ट्रेड रिसीवेबल्स, सो इन दिस वी विल राइट डाउन डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फिर वी हैव नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश इन हैंड, कैश बैंक, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं आएंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हैं वो नॉन करंट इन सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट में आएगी। ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है मैंने क्या बताया, इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, जिसमें एग्जांपल है आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जो बच्चे कैश फ्लो पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हम 6-3 महीने तक के लिए रखते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर सेल, वो होती हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स। बट अगर ऐसे लिखाओ ना इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, तो वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बेसिकली नॉन करंट होती हैं। एक जनरल बता रहा हूँ, लिख लेना कहीं से। चले फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन एंड कैश एट बैंक, याद रखना देखो एक चीज, AS3 के हिसाब से कैश इक्विवेलेंट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं, लेकिन नॉट एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, जबकि AS3 के हिसाब से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लिख दूं, वाइवा में पूछा जा सकता है इसलिए बता रहा हूं। AS3 शेड्यूल 3, ये क्या कहता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शेड्यूल 3 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में सिर्फ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। समझ में आया, यहां पर जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं वो क्लासिफाइड होती हैं एज करंट इन्वेस्टमेंट। ये ध्यान रखना, वाइवा में पूछ सकते हैं या एग्जाम में भी आ सकता है। चलो इसके बाद शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, इन शॉर्ट टर्म एडवांसेस वी हैव गुड एडवांस टैक्स जो वहां पे एडजस्ट नहीं हुआ, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये बात ध्यान रखना, वो भी एक तरह से शॉर्ट टर्म एडवांसेस ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखो क्या है, आपको एक बात बताऊं, ये जो है कुछ बुक्स में ना इसे अदर करंट एसेट्स दिखा रखा है, देख लेना आपके उसमें क्या कोर्स मतलब कि बुक्स में क्या है, वैसे इट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एडवांसेस। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है कि आपने किसी को एडवांस में पे कर दिए,
समझ में आया, तो इसको देख के ये है शॉर्ट टर्म एडवांसेस, समझ में आई मैम, लेकिन हो सकता है किसी की बुक में अदर करंट असेट दे रखो, टेक्निकली वो रॉन्ग है, ठीक है, तो डरने मत बैठ जाना। आपको क्या करना चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म एडवांसेस को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को शॉर्ट टर्म एडवांसेस में ही लिखना चाहिए अगर आप मेरे से पूछें तो। अदर करंट असेट्स, इन दिस वी हैव आउटस्टैंडिंग इनकम्स, आउटस्टैंडिंग इनकम्स इसके अंदर आप लिख सकते हैं, या कोई भी किसी भी तरह का फिक्टिशियस असेट है अगर, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है, वैसे तो अब होते नहीं बट फिर भी। तो ये है आपकी कंप्लीट बैलेंस शीट असेट साइड जो आपने मेरे साथ देखी। पहले हमने लायबिलिटी साइड देखी वो सारा, फिर हमने असेट साइड पूरा का पूरा कंप्लीट किया 18 नोट्स। इतना आप कर लेते हैं, मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है 18 नोट्स के साथ, ठीक है। चलिए बाकी बातें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करते हैं, उससे पहले आप प्लीज सारा यहाँ तक ए टू जेड अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट आ गई समझ, वेरी गुड। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SOPL, जहाँ बैलेंस शीट खत्म हुई है आपकी। मैंने बोला था एक पेज छोड़ देना क्योंकि हमें SOPL स्टार्ट करना है, ठीक है। तो SOPL में होता क्या, सबसे पहले इनकम्स, इनकम्स में वी हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वी हैव अदर इनकम्स, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज बेसिकली द सेल्स, तो उसका तो बनाने की जरूरत नहीं है। और ये जो नोट नंबर आपने छोड़े हैं उसके आगे ही हमारा कंटिन्यू होगा। अदर इनकम इज जितनी भी इसके अलावा इनकम है, लाइक रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सब हमारे लिए अदर इनकम्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल, जिसको मैं ए करके टर्म कर दूंगा, टोटल ऑफ ए, ठीक है। और अगर मैं नोट नंबर 19 एक्सप्रेस करूँ आगे, मैं सीधे बना रहा हूँ, आप फॉर्मेट बना लीजिएगा, अदर उसी के आगे 18 के आगे कंटिन्यू होना है, अदर इनकम जो है आपकी, उसके अंदर क्या क्या आएगा, इट कैन बी रेंट रिसीव्ड, इट कैन बी इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट कैन बी डिविडेंड रिसीव्ड, इसी में लिख देता हूँ डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, सब इसी के अंदर आएगा। सब हमारे लिए अदर इनकम है, ठीक है। इसके बाद वी हैव टू राइट डाउन एक्सपेंसेस, इन एक्सपेंसेस एक एक करके सब देखते हैं। सबसे पहले वी हैव कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देयर आफ्टर वी हैव परचेजेस, देयर आफ्टर वी हैव चेंज इन स्टॉक, सारी बातें एक एक करके आपको बताता हूं। देयर आफ्टर वी हैव एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, वी हैव फाइनेंस कॉस्ट, वी हैव डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, we have other expenses। अब किस में क्या आएगा सब बताते हैं आपको, आराम से रिलैक्स हो जाओ। 20 ये तो चलो ले लो, 21 22 23 24 25 26
आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो इसके अंदर क्या लेना है हमें, जितना भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जितनी हमारी परचेजेस है रॉ मटेरियल की, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें से आप माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, सारा रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव परचेजेस, तो वो जो परचेजेस आपको गिवन है, यू हैव टू टेक परचेज ऑफ फिनिश गुड्स ओनली, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है तो वो कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखनी है सारी बातें। देयर आफ्टर वी हैव चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्रीज, नोट नंबर 21। सो जो चेंज इन इन्वेंट्रीज की आप बात करते हैं, उसके अंदर यहां पर हमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लेना है। क्या लेना है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। सी व्हाट फॉर्मूला इज देयर, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, और किसकी ओपनिंग इन्वेंट्री? ऑफ फिनिश गुड, वेरी गुड, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। तो ये आ गया हमारा क्या, चेंज इन इन्वेंट्री। अब देखिए, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया, ठीक है। इसके बाद वी हैव ये हो गया चेंज इन, ये हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यू हैव टू पुट सैलरी इन दैट, जो भी हम सैलरी पे कर रहे हैं। उसके बाद इफ देयर इज एनी प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, वो हम उसमें लेंगे। कुछ भी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो है वो इसके अंदर आएगा। अदर स्टाफ एक्सपेंसेस, ठीक है। देयर आफ्टर वी हैव फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में जो भी आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, ठीक है, वेदर इट इज ऑन डिबेंचर्स, इट इज ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये सब हमारा फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। देयर आफ्टर वी हैव डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यू नो वेरी वेल, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे होता है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पे होता है। तो डेप्रिसिएशन चाहे वो मशीनरी पे है, चाहे वो बिल्डिंग पे है, किसी भी चीज पे है, या अमोर्टाइजेशन है किसका, गुडविल का, पेटेंट का, यह है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसके बाद जितने एक्सपेंसेस हैं वो सब अदर एक्सपेंसेस में आएंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट। जितने बच गए बताओ क्या क्या बचा, रेंट, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत एक लंबी चौड़ी हम लिस्ट निकाल सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, जो बच गया वो सारे के सारे जो हैं विल बी क्लासिफाइड एज अदर एक्सपेंसेस। तो आपको पता होना चाहिए किस हेड में क्या आएगा। एक बार आप ये सारा हाथ से बना लेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने पूरा कर लिया। इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर हमारा आएगा टोटल ऑफ बी,
प्रॉफिट फॉर द ईयर, ए माइनस बी, जो भी आपके प्रॉफिट आएंगे दिस माइनस दिस। अब इसके बाद क्या करना है देखते हैं, मैं इसको एंड में कंटिन्यू कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है एक्चुअली, तो आप इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे या रुकिए मैं वहां पे लेता हूँ, आई हैव अ सॉल्यूशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, ठीक है। फिर नीचे आप क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशंस, उसी के नीचे लिखेंगे, उसमें कुछ पार्ट हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है, कुछ पार्ट हमारा डिविडेंड की तरह चला जाएगा, ठीक है, कुछ पार्ट हम रिजर्व्स में ट्रांसफर करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा फिर वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। ये आपका नोट वाला सेक्शन आ रहा है, इसमें कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे आपने लिखा टोटल, आपने यहाँ कर दिया, ये हो गया मैच, समझ में आया। ये इस तरीके से आपको करना है, आपकी पहले एसओपीएल पूरा हो गया, ये आपको बताएगा। अब देखिए ये होता क्या है, मैं आपको बताऊँ, जब एग्ज़ाम में एक तो आपको पता होना चाहिए कि साइड में कौन सी चीज़ आएगी, उसके लिए आपने सारा पढ़ लिया, नोट्स आपको सारे पता होने चाहिए, ये नहीं कि कंप्लीट क्वेश्चन वो आपसे पूछने वाला है, ठीक है। एक बार इसको आप सारा का सारा अच्छे से ए टू जेड जितना मैंने पढ़ा है रिवाइज कर लीजिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन करंट एंड करंट आइटम्स के बीच में बाइफर्केशन किस तरीके से हो। हमने अभी तक सिंपल बात देख ली कि करंट असेट वो है एक साल में पैसा आना है, एक साल से इस बाद में आना है तो वो नॉन करंट है। करंट लायबिलिटी अगर विद इन अ वन ईयर वी हैव टू पे, वी विल क्लासिफाई इट एज ए करंट लायबिलिटी, और उसके बाद हमें पे करना है तो हम उसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। ये बेसिक बातें हमने सीख ली, लेकिन द मीनिंग इज मोर देन दैट, बड़े ध्यान से समझिए। करंट लायबिलिटी क्या है? करंट लायबिलिटी एज पर शेड्यूल 3 हम क्लासिफाई करेंगे विच इज पेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स विच एवर इज मोर। ऐसी लायबिलिटी जो हमें पे करनी है ऑपरेटिंग साइकिल में या 12 महीने में, जो भी दोनों में से ज्यादा है। व्हाट इज दिस ऑपरेटिंग साइकिल? बाकी बातें तो बाद में समझे, पहले ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है, बड़े ध्यान से एक एक चीज समझना आप। हम रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, उससे प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है, वो फिनिश गुड बनता है। फिनिश गुड बनने के बाद वो कुछ टाइम वेयर हाउस में रहेगा, एकदम तो बिक नहीं जाएगा, फिर सेल होगी, सेल होने के बाद कैश आएगा किससे, डेटर्स से, यस ऑर नो, कैश फ्रॉम डेटर्स। तो टोटल टाइम पीरियड इसमें जितना लग रहा है रॉ मटेरियल को लाने से लेके कैश रियलाइजेशन तक, उसको हम बोलते हैं द टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। बट यहां पर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल से मतलब है नेट ऑपरेटिंग साइकिल। नेट ऑपरेटिंग साइकिल मतलब हमें कुछ क्रेडिटर से उधार भी मिल जाता है, यस और नो, तो हम उतना टाइम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, उतना माइनस, लेट अस टेक एन एग्जांपल, माइनस क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स। सर समझ तो आ रहा है, एग्जैक्टली समझ में आ गया, एग्जैक्ट थोड़ा सा। देखो रॉ मटेरियल लाए, प्रोडक्शन हुई, फिनिश गुड बना, वेयर हाउस में रहा, सेल हुआ, कैश आया, इसमें जितना टाइम लगा वो सारा क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। बट अगर नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालिए तो जितना आपके क्रेडिटर्स आपको उधार दे देते हैं वो भी आप उसमें से माइनस कर दो,
एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोलूं तो एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, जितना आपको रॉ मटेरियल होल्ड करके रखना पड़ता है ऑन एन एवरेज, उसमें ऐड करो एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स आपको ऑन एन एवरेज जितने, सॉरी ये मैंने पहले लिख दिया, लाइन से लिखता है, पहले रॉ मटेरियल कितने टाइम होल्ड करना पड़ता है, उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन टाइम पीरियड, ऑन एन एवरेज उसे प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है, जिसको हम एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ WIP भी बोलते हैं, पीरियड ऑफ WIP। उसमें आप प्लस करो एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद आप उसे सेल करते हो तो डेटर से पैसा आता है, तो दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इन चारों को ऐड करके जितना टाइम हमारे पास आता है, सपोज रॉ मटेरियल हमें 100 दिन होल्ड करना पड़ता है, इसमें हमारे 50 डेज लगते हैं, लगभग 150 दिन हमारे वेयर हाउस में पड़ा रहता है, और लगभग 90 दिनों में हमें पेमेंट मिलती है। तो ये यहां पर 390 दिन जो 390 डेज आपके पास आए, ये क्या है आपकी ऑपरेटिंग साइकिल। ये सब आप निकालना सीखेंगे इन द चैप्टर रेशियो एनालिसिस, वहां पर हम ये सब निकालना भी सीखेंगे कैसे निकलता है, समझ में। तो 390 डेज की हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है, इसमें से आप माइनस कर दो क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स, तो ये हमारी नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाती है। सपोज आपको क्रेडिटर से 90 डेज का उधार मिल जाता है, तो आपकी नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ गई कितने की, 300 डेज की, समझ में आया। श्योर, तो व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल, रॉ मटेरियल कन्वर्जन से कैश आने तक जितना टाइम पे टेबल टोटल लगता है हमारा, वो ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्लियर है। तो करंट लायबिलिटी क्या है, विच इज पेबल विद इन, नेट कर लो इसे, नेट ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स, विच एवर इज मोर। मतलब सपोज आपकी नेट ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 300 दिन की है, जबकि 12 मंथ्स, यार रुको मैं आपको ऐसे नहीं, नेट ऑपरेटिंग साइकिल जो है आपकी वो 11 मंथ्स है, ठीक है, केस वन। तो इसमें आपको क्या देखना है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स, जो भी दोनों में से हायर है, हायर क्या है 12 मंथ्स, तो जितना अमाउंट 12 महीने के अंदर पेबल है वो यहां पर करंट लायबिलिटी होगा। इन दिस केस एनी अमाउंट पेबल विद इन 12 मंथ्स विल बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी। केस टू, सपोज XYZ लिमिटेड है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल वो है 15 मंथ्स और 12 मंथ्स, ये स्पेसिफाइड लिमिट है, हमें दोनों में से हायर लेना है, हायर क्या है 15 मंथ्स। तो इस केस के अंदर जितना भी अमाउंट हमें 15 महीने तक देना है वो करंट लायबिलिटी होगा, 15 महीने के बाद देना है तो वो नॉन करंट। सो इन दिस केस एनी अमाउंट पेबल विद इन 15 मंथ्स
विल बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। समझ में आया, इसमें 12 महीने नहीं देखने, तो इसीलिए देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़े, विच इज पेबल विद इन नेट ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स विच एवर इज हायर, तो सिर्फ 12 महीने नहीं देखने। थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 से 4 नंबर का, बड़े ध्यान से इसे देखिए, जो चीज करंट लायबिलिटी के लिए है सेम चीज करंट असेट्स के लिए, बस उसपे रिसीवेबल की जगह पेबल की जगह रिसीवेबल आ जाएगा। एनी अमाउंट रिसीवेबल विद इन नेट ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स विच एवर इज हायर, उसको हम क्या बोल देंगे, करंट असेट्स, और जो करंट असेट्स नहीं है वो नॉन करंट, सेम चीज है। समझ में आया, तो होपफुली फंडा क्लियर है, ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कैसे निकलती है, क्यों है। तो अगर कोई आपसे पूछ भी ले डेफिनेशन, तो आप लिखोगे टोटल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू कैश रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, ये है आपकी ऑपरेटिंग साइकिल। नेट पूछ लेता हूं, सेम डेफिनेशन लिखनी है, रिड्यूस्ड बाय उसके आगे लिख दोगे, मतलब सेम डेफिनेशन लिख के रिड्यूस्ड बाय क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स, ये लिख के सेम, उसके बाद आप ऐसा करेंगे। तो ये था आपका कैसे करंट और नॉन करंट हमको बाइफरकेट करना है, होपफुली आपको समझ में आया, थैंक यू सो मच।